बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करना जी ना दीना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो अल्बाइनों के हवाले से, आज बहुत सी बातें की जाएंगी अल्बाइनों के हवाले से जो कि बहुत हकीकत पे मबनी होगी। हमेशा इंशाल्लाह आपका भाई सच और हकीकत बताएगा आपको। अब मैं आपको बताऊं कि अल्बाइनो लोग कहते हैं पिट गया और इस वक्त जो है अल्बाइनो की कोई रेट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त लबट कोई अल्बाइनो या क्रीमिनो की बात नहीं हो रही या कोई कमर्शियल बर्ड की बात नहीं हो रही, इस वक्त लबट की बात हो रही है कि लबट इस वक्त आवाम की जो है ना वो बस आवाम दिल उचाट हो चुका है। आवाम समझ रही है कि बस ये जो अब जो लबट है वो कभी बिकेगा नहीं और लबट है अल्बाइनो है वो सब पिट गया घुस गया, तो इस तरह की बातें कि अब जो है वो अल्बाइनो नहीं चलेगा, अल्बाइनो के जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं वो उन्होंने रेट कम कर दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्बाइनो के रेट कम हो चुके हैं, कमर्शियल बर्ड्स के कम हो चुके हैं, लेकिन ये वक्त है इस वक्त जो है न्यू फैंसियर, ये वो वक्त है 2019 का जब कोविड से पहले की बात है जब ये अल्बाइनो अपना उरूज पकड़ना शुरू हुआ था और जो उस वक्त जो कीमत चल रही थी इस तरी उससे भी ये थोड़ा कम आ चुकी है। और फिर 4 साल तक अल्बाइनो का बड़ा बूम रहा और लोगों ने हर बंदे ने जो है ना वो अल्बाइनो की तरफ जा गया, अल्बाइनो ब्रीड कराया। उस वक्त अल्बाइनो की जो बात थी वो ब्लड लाइन कमज़ोर थी, लोगों ने इम्पोर्ट कराए हुए थे, रेड टू रेड लगाए हुए थे, कोई एक आध ब्रीडर थे जो कि जिनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जब भी उनके भी अगर आप ब्रीडिंग देखें बज़ाहिर वो अपने तो दिखाते थे लेकिन अगर जो सेटअप है दूसरे लोगों के सेटअप पे जिनको सेल करते थे उनके पास अगर ब्रीड आती थी तो उसमें भी मोर्टेलिटी इशू आते थे। ऐसा नहीं है कि अगर वो ब्लड लाइन लेंगे तो क्या नाम है उसमें कोई ब्लड लाइन में कोई इशू नहीं आएगा। मैंने भी ली, मेरे पास भी एक पेयर शुरू का जितनी ब्रीड आई वो उन्हीं के लगा हुआ क्या नाम है रेड टू रेड लगा हुआ था, उसी से स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह फिर जब ब्रीड आती रही तो उसके बाद ये है कि ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर लोगों ने रेड टू ब्लैक लगाया और उससे और स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर वो अब लोगों के अवेयरनेस आई जिससे वो रेड टू ब्लैक पे ही काम कर रहे हैं और जिससे माशाल्लाह प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। अब 4 सालों की प्रोडक्शन थी, ये प्रोडक्शन इंपोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट हो नहीं रही थी, इंपोर्ट कर नहीं सकते थे, तो बहुत अल्बाइनों का रेट इस वक्त तकरीबन जो है 5 साल 4 साल तक बड़ा एक स्टेबल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। इस साल ये हुआ शुरू में अगर आप देखें नवंबर दिसंबर जनवरी तक भी जो है ना अल्बाइनों का रेट अपनी जगह पर मौजूद रहा और उसके बाद जो है फिर जब लास्ट शुरू में लोगों ने जो बाय कर लिए वो कर लिए, अब जब लोगों ने जब सब लोगों के पास ब्रीड आई, कुछ की लेट आई कुछ की जल्दी आई, जब लेट आई तो वो ब्रीड जब एक साथ आई तो कुछ पंजाब के हमारे भाइयों ने रेट को कम करके निकालना शुरू किया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे कराची के कुछ ब्रोकर हजरात ने जो है उनको लेके आगे से लिए अपना 1,000-2,000 रुपये रखे उसका रेट ख़राब करके और आगे क्वांटिटी और डील्स वगैरह शुरू कर दी, तो उससे ये हुआ कि लोग समझे कि भाई अल्बाइनो जो है रेट कम हो गया, लेकिन हकीकत लोगों के पास इतनी ब्रीड कराची में नहीं आई जितनी के कराची में बर्ड्स देखने के लिए आया। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि डील्स पे डील्स आती रहीं, फिर एक को देख के दूसरे को, फिर लोकल बंदे ने कहा यार ये तो इतना कम हो गया मैं अपने सेटअप को निकाल दूँ। आप यकीन करें कि कराची में कोई 200-300 पेयर के अल्बाइनो के ब्रीडर मतलब सेटअप नहीं है, कोई सैकड़ों नहीं लगे हुए कि शादिर और नादिर किसी के पास 100 लगे हुए होंगे, किसी का 50 लगे हुए होंगे, ये कोई 8-10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है कि भाई 10-15 ले लें या 20 ले लें, इससे ज़्यादा कराची बहुत बड़ा 2.5-3 करोड़ की आबादी के अंदर मैं कहता हूँ अगर 50,000 भी लगा लेना तो बहुत बड़ी बात है। 50,000 के अल्बाइन मतलब के लबड़ रखने वाले उसमें से मैं कहता हूँ 100-200 पेयर के सेटअप मुश्किल से 20-30 अगर हो तो हो, ठीक है, इससे ज़्यादा अभी तक आप सेटअप भी आप विज़िट करते हैं मतलब आप लोग देखते होंगे वीडियोस वगैरह उसमें भी कोई इतने बड़े बड़े सेटअप नहीं आते, तो अल्बाइनों का इतनी ब्रीड नहीं आई जितनी के इतना जिसका इसका रेट गिर गया। तो वो हुआ ये कि जब पंजाब की ब्रीड यहाँ पे दी गई फिर लाजमी सी बात है ब्रीड लोकल ब्रीड यहाँ पे भी लोकल ने कहा कि भाई हम भी अपना बेच के निकाल दें अल्बाइनो ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रेड आई की माशाल्लाह से डिमांड हमेशा रही है और रहेगी, तो आप होल्ड करें, नहीं होल्ड कर सकते तो आप निकाल दें इसको, लेकिन ये है कि अगर अब मैंने जैसे कि हम मार्केट विज़िट करते हैं
तो मार्केट के अंदर जैसा आप देख रहे हैं कि अब वो बात नहीं रही जो आज से 1 से 2 महीने पहले थी कि हर बंदे के पास फटकियां भरी हुई थी और अल्बाइनो मौजूद था। अब इतना नहीं है, अल्बाइनो 2-2, 3-3, 4-4 पीस होते हैं। ये नहीं है कि फटकियों में 50-50 पीस, 10-10 पीस, 20-20 पीस लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्बाइनो की अब जो है, अब जिनके पास जो सेल होना था वो हो चुका, जिन्होंने लेना था वो ले चुके हैं, और जो लोग डीलों के चक्करों में पड़ पड़ के लंबे लंबे ले गए तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं उनके साथ। कई कंप्लेंट्स आती हैं कि कोई बीमार है। अब मैं अब क्या कहूँ, तो ये है कि मतलब प्रॉब्लम आई, जब सस्ता लिया रोया बार बार। तो भाई माशाल्लाह से आपको एक बात बताऊं कि अल्बाइनो इंशाल्लाह अपनी कीमत पर वापस आएगा। और इस वक्त भी अगर आप अल्बाइनो देखें तो जो मैं आपको करंट रेट आपको बताऊं, और ये जो हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं वो अपडेट देते हैं संडे सैटरडे नाइट को, तो वो भी अब आपको अल्बाइनो का रेट बताते हैं। तो तकरीबन अब मैं बताऊं कि चिक्स का जो है वो तकरीबन 7 से 7.5 हज़ार रुपये के करीब है, चल रहा है। बहुत ज़्यादा छोटा चिक्स होगा तो लोग 6.5-7 हज़ार रुपये का कहते हैं, लेकिन अब ये कहते हैं अगर आप किसी सेटअप से जाएंगे तो भाई सेटअप से तो मिलता नहीं है। अब जिसका नहीं निकल रहा होता या कोई प्रॉब्लम होती है वही ले आके मार्केट में भेज देता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप सेटअप से देख के लें, सेटअप में भी कम रेट में, क्योंकि देखिए एक रेट कम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि रेट कम नहीं हुआ, रेट कम हो चुका है। और अल्बाइनो का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 7.5 हज़ार रुपये से 10 हज़ार रुपये तक का रेट है, ठीक है। मतलब के एज के हिसाब से है, अगर जैसे छोटा पीस है तो वो 7.5 हज़ार रुपये का है, उससे बड़ी एज का 8-8.5 हज़ार रुपये का है, और अच्छी रेडी टू ब्रीड है वो 10-12 हज़ार रुपये तक में आ गया है। और इंशाल्लाह जब सेटअप, जब सीज़न स्टार्ट होगा आज से 2 महीने के बाद, तो काफ़ी हद तक जो है वो रेट अपने पर आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा शौक भी कराऊँगा अल्बाइनो का। तो आपको ये बताया कि इस वक्त जो है न्यू फैंसियर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो कम पैसों में है अल्बाइनो लगाएं। आपको कौन कह रहा है कि सैकड़ों लगाओ और आप जो डूब जाओगे, आप ये वक्त है आपने 2 से 4-5 पेयर लगाए, और आप उस पर तो डिपेंड नहीं करेंगे ना, ना होने से बेहतर होना तो बेहतर है ना। तो आप ये भी कहीं से भी लें, लेकिन ये है कि इस वक्त कमर्शियल बर्ड्स लोग रेट में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, अच्छी जगह से लें, उसको लगाएं। इंशाल्लाह जब आप जो सेल करेंगे उसकी ब्रीड, तो वो नेक्स्ट ईयर करेंगे, 1 साल में 2 साल में अपने उरूज पे ये वापस आ जाएगा। रेड आई की डिमांड हमेशा रही है, और इंशाल्लाह ये अपने रेट पे वापस आएगा, और अल्बाइनो की डिमांड रही है। तो आइए हम थोड़ा सा आपको जो है अल्बाइनो का शौक कराते हैं। ये हमारे पास कुछ पेयर हैं, ये कुछ पीसीज हैं अल्बाइनो रेड आई के, ये इस वक्त मोल्ड पर है। आप माशाल्लाह भाई माशाल्लाह से आप ये देखें, ये होता है अल्बाइनो, आप इसका साइज देखें। और इसकी जो एज है, इसकी एज इस वक्त तकरीबन मेरे हिसाब से 7.5 महीने की होगी। और आप इसका साइज़ देख लें, ये ब्रीडल लग रहा है लेकिन ये बेसिकली है चिक, ये तकरीबन ये फीमेल है, आई थिंक 40 नंबर इसका रेंज है। और ये आप इसका साइज़ देख लें, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, ये आपको मैं साइज़ दिखाऊं। तो क्वालिटी के ऊपर हर चीज़ होती है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पीस भी दिखाता हूँ, अल्बाइनो ब्लैक आई के भी दिखाता हूँ। तो भाई ये देखें, ये हमारे पास अल्बाइनो ब्लैक आई है, जो कि ये भी अब तैयारी के करीब है। ये तकरीबन जो जितने भी पीस हैं ये तकरीबन 6.5-7 महीने से ऊपर के हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।